तो टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में ये डिस्कस होगा कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट है फर्स्ट डेफिनेशन से, जिसका नाम है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। नाम से ही पता लगता है कि जैसे हमने किया था इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन, ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, सिंबल क्या है, म्यू। तो इसमें एक होता है म्यू नॉट, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ऑलरेडी मालूम है। एक होता है एप्सिलॉन एम, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, और एक होता है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो फॉर्मूला नंबर वन नोट करें इसमें। पहला फॉर्मूला, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, परमिएबिलिटी इज इक्वल टू, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू परमिएबिलिटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी इन वैक्यूम। दो फॉर्मूला नोट करो प्लीज, फॉर्मूला रजिस्टर में दो फॉर्मूला नोट करो। कहां काम आएंगे अगर आपका क्वेश्चन वैक्यूम में ना चले, ज्यादातर क्वेश्चन वैक्यूम में ही चलते हैं, पर अगर ना चले तो आप मीडियम में कन्वर्ट करना चाहें तो इन रेशियो से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला रिजल्ट। दूसरा, मैग्नेटिक इंडक्शन या फ्लक्स डेंसिटी, ये बी होता है टेस्ला। मैग्नेटिक इंडक्शन या फ्लक्स डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय बी टेस्ला, तो इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं, डन है। नेक्स्ट है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एच। एच क्या है? एच सपोज आपके पास एक सोलेनोइड है, आप इसमें करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सिस पे बी जनरेट हो रहा है, कितना, म्यू नॉट एन आई। क्योंकि हम सब कुछ वैक्यूम में करते हैं तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड किसमें है, इन वैक्यूम, हम लिखते नहीं पर वैक्यूम है। इस एन इंटू आई के प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं, एच। एच तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एच। तो एच का मतलब एन इंटू आई, और एच का मतलब क्या है कि अगर आप फील्ड इंक्रीज करना चाहते हैं तो इनडायरेक्टली आप एच इंक्रीज कर दें, और एच ऐसे इंक्रीज होगा, या तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंक्रीज होंगे या करंट इंक्रीज होगा या दोनों इंक्रीज होंगे, जिससे कि बी कैन बी इंक्रीज। तो एन और आई में से कोई भी चीज इंक्रीज हुई होगी तभी एच इंक्रीज हुआ तभी बी इंक्रीज। तो आज के बाद बी इंक्रीज हुआ या एच इंक्रीज हुआ बात एक ही है। फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें, B naught is mu naught into H, where H is equal to N into I current. नोट कर लें प्लीज। राइट, ठीक है यहां तक। अब इसमें अगर मैं बोलूं H के यूनिट्स क्या हैं, तो H के यूनिट्स निकालने हैं तो N इंटू आई, एन का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय करंट। करंट एम्पियर में है, लेंथ मीटर में है, तो एम्पियर पर मीटर इज द आंसर, एम्पियर पर मीटर इज द आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I।
देखो जब हम बोलते हैं कि हमने एच इंक्रीज किया तो बी इंक्रीज किया, तो आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, आप कितना भी करंट बढ़ाते रहें, आप कितना भी करंट बढ़ाएंगे कितना ही उसके अंदर बी इंक्रीज होता जाएगा। पर जो आयरन का पीस या कोई भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस या स्पेसिमेन को आप उस फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेट बनेगा। उसकी मैग्नेट बनने की कोई कैपेसिटी है, वो जितना ज़्यादा मैग्नेट बनेगा हम बोलेंगे कि कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन रहा है, कोई मटेरियल कम मैग्नेट बन रहा है, कोई और कम बन रहा है, उसकी नेचर है। तो सारे हर कोई मटेरियल एक जैसा मैग्नेट या एक जैसा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। कौन कितना मैग्नेटाइज हुआ बाय अप्लाइंग एच, उतनी ही उसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगी। तो अगर आई ज़्यादा होगा सब्सटेंस ज़्यादा मैग्नेटाइज हुआ, आई कम हुआ सब्सटेंस कम मैग्नेटाइज हुआ, आई हुआ ही नहीं जीरो सब्सटेंस मैग्नेटाइज ही नहीं हुआ। ठीक, तो आई निकालने का तरीका फॉर्मूला बुकलेट में लिखें। आई क्या होता है कि कोई भी मटीरियल है उसका कोई वॉल्यूम होगा और उसके एटम जब मैग्नेटाइज होंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूरे के पूरे मटीरियल का कैपिटल एम है, पूरे मटीरियल का डायपोल मोमेंट कैपिटल एम है। तो कितना कैपिटल एम है पर यूनिट वॉल्यूम, इसको आई बोलते हैं। ये फॉर्मूला लिखें। अगर आप आई के यूनिट्स की बात करें तो कैपिटल एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक और फॉर्मूला है, वो क्या, करंट इंटू एरिया। और वॉल्यूम का मतलब क्या है, मीटर का क्यूब। यहां से ये कैंसिल तो आंसर क्या आएगा, एम्पियर पर मीटर। तो एच के और आई के यूनिट्स एग्जैक्टली सेम है। तो फर्क ये है कि एच का परस्पेक्टिव तब यूज किया जाता है जब हम सब्सटेंस को बी या एच दे रहे हैं, और आई का परस्पेक्टिव तब यूज करते हैं कि सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ। तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इस केस में एच और आई को कैसे यूज करना है ये इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। लिखे फॉर्मूला काई, काई इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी थी, ये मैग्नेटिक है। काई का फॉर्मूला, काई के पैर में एम का मतलब मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज डिफाइंड एज क्या, आई अपॉन एच। आई का मतलब सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ, एच का मतलब हमने कितना फील्ड अप्लाई किया। तो अब ये देखें कि आपने सपोज करो तीन मटेरियल्स लिए, तीनों को एच सेम अप्लाई किया 10 10 10, पर एक सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ, आई की वैल्यू 7 थी, एक 4 थी और एक 2 थी। तो जिसका आई ज्यादा था उसका काई भी ज्यादा था, काई ज्यादा था। तो काई आपको क्या बता रहा है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में ऑन अप्लाइंग सेम वैल्यू ऑफ एच कोई स्पेसिमेन कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ उसका काई उतना ही ज्यादा होगा। काई के यूनिट्स नहीं है, यूनिट्स क्यों नहीं है, क्योंकि आई और एच के यूनिट्स एग्जैक्टली सेम है। एक नंबर है जो ये बताता है सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो सकता है या सब्सटेंस की नेचर कितनी मैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक का काई बहुत बड़ा होता है, पैरा का कम होता है। जो और मैग्नेटिक सब्सटेंस जो बहुत मैग्नेटिक नहीं है उनका काई और कम होता है, और जो मैग्नेटिक ही नहीं है उनका काई जीरो होता है क्योंकि आई उसका जीरो होता है। तो नंबर बता देता है कितना मैग्नेटिक है कितना नहीं है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। तो ये लिखो फॉर्मूला बुकलेट में, म्यू ऑफ आर इज 1 plus kai m, म्यू ऑफ आर रिलेटिव परमिबिलिटी जो होती है 1 plus kai के इक्वल होती है। ऐसा रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी किया था कि काई 1 plus kai इज इक्वल टू के, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाला सेम रिजल्ट। तो इसको कैसे करना है, इसको समझने के लिए अब हम डिस्कस करते हैं कि जो आई और एच और काई की हेल्प से हम इस रिलेशन को प्रूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।